तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एनएससी में रजिस्टर्ड एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। और ये स्टॉक पर्सनल केयर इंडस्ट्री में कंपनी कामकाज करती है। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो 5,79,315 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और करंट प्राइस चल रहा है 2,466 रुपये का, यानी 2,466 रुपये का। हाई लगा चुका है 2,770 रुपये का, लो है 2,393 का। अगर स्टॉक पी की हम लोग बात करें तो 55 है स्टॉक पी। स्टॉक पी की सबसे ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो चुका है और बुक वैल्यू 214 रुपये की। कंपनी डिविडेंड एल प्रोवाइड करती है 1.58% का, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड माना जाता है। ठीक है, आरओसी है 26%, आरओई है 20%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर के पास 61% की होल्डिंग है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02, मतलब ना के बराबर कर्ज है कंपनी के पास। एनुअली प्रॉफिट 10,143 करोड़ का इनको एनुअली प्रॉफिट हो रहा है और डेप्ट है 1219 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, इंडस्ट्रीज पी है 53 और ईपीएस है 43 रुपये की। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 8,980 करोड़ का। और अगर हम लोग प्लस परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी गई है। तो अगर हम देखें तो फ्री कैश फ्लो है 8,980 करोड़ का और कर्ज क्या है 1219, तो इस तरफ से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। आइए चलते हम लोग कहाँ प्रोस की तरफ। उससे पहले बता दें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। प्रोस में देखें कंपनी की ऑलमोस्ट डेट फ्री। सेकेंड लाइन कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई 3 ईयर 21%। कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट 99.9%। तो कंपनी 99% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है। आई चलते हम लोग कहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं, क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो देख सकते हैं जून वाली क्वार्टर में 3,664 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को। मार्च में 3,573, दिसंबर में 3,694 और सितंबर में 3,479, जून में 3,400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हुआ है। अगर हम मार्च जून 2023 वाले और जून 2022 में कंपेयर करें तो देख सकते हैं 3,664 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है जून 2023 में, जून 2022 में 3,400। तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखला रही है क्वार्टर वाइज। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो 2,556 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी को जून वाले क्वार्टर में, और मार्च में 2,600, दिसंबर में 2,400 और सितंबर में 2,600, जून में 2,391 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो क्वार्टर वाइज काफ़ी सुंदर परफॉर्मेंस करके चल रही कंपनी आई। चलते हम लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पे चेकआउट करते हैं क्या परफॉर्मेंस। तो TTM में देखने के लिए मिल जाएगा 14,410 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 2023 में 14,148 करोड़ का, 2022 में 12,887 करोड़ का, 2021 में 11,626 करोड़ का, 2020 में 9,853 करोड़ का। तो कंपनी ईयरली वाइज भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके चल रही है, ना कि सिर्फ क्वार्टरली वाइज। या इसी बात क्वार्टर अगर सही है तो ईयरली भी सही होगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें तो ऐड होकर के ईयरली रिजल्ट बनती हैं। TTM में देखें नेट प्रॉफिट तो 10,308 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, वहीं 2023 में 10,143 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को 2023 में, 2022 में 8,892 करोड़ का, 2021 में 7,999 रुपये का नेट प्रॉफिट है कंपनी पास। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी पे आउट करी, कभी 91, कभी 90, कभी 119, कभी 80%। तो अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया तरह से कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, बहुत ही बढ़िया परसेंटेज डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 10 साल में 8%, 5 साल में 11%, 3 साल में 15%, TTM में 12% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 12%, 5 साल में
14% 3 साल में 14% TTM में 13% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में 15%, 5 साल में 9%, 3 साल में 6% और 1 साल -6%। और स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें 10 साल में 37%, 5 साल में 28%, 3 साल में 22% और लास्ट ईयर 20% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के पास। अगर हम लोग बैलेंस शीट चेकआउट कर ले तो देख सकते हैं क्या कि इनके पास रिजर्व है 50,69 करोड़ का। और इससे पहले कि अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का रिजर्व ना हर साल इंक्रीज होता हुआ ही देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बोरोइंग की बात करें तो कर्ज भी इंक्रीज हुआ, 1219 करोड़ का कर्ज हो गया। पहले 1009 करोड़ का था, फिर 1043 हुआ, फिर आज 2023 में 1219 करोड़ का इनके पास कर्ज है। अगर वहीं हम लोग चेकआउट करें कैश फ्लो तो 9,991 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। तो इस हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कैश फ्लो नेट कैश फ्लो नेगेटिव में 446 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते क्या हमें देखने को मिल रहा है कि 61% की होल्डिंग इनके पास प्रमोटर के पास है, 14% की होल्डिंग है पाइस के पास, 11% की होल्डिंग TIIS के पास, पब्लिक के पास क्या मात्र 12% की होल्डिंग बचा हुआ पब्लिक के पास। पब्लिक के अंदर देखा जाए क्या इंडिविजुअल्स की पैसा लगा हुआ है या नहीं, तो ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, स्टॉक और एंजल वन का दोनों का लिंक दिया गया है। तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो जाइए हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। जब आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करें तो बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। आप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम लोग देखें पब्लिक, पब्लिक के अंदर के इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है अभी ओपन नहीं हो रहा, सम ऑफ मतलब कुछ नेटवर्किंग रीजन्स होंगे। और इस स्टॉक का नाम बता देते हैं, इस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट 100 में से 90 घरों में तो इस्तेमाल किया जाता होगा। मतलब ये मान के चलो 10 घर है ना, 10 घर में से 9 घर ऐसा होगा कि जिनके घरों में इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ही किया जाता होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन द FMCG बिजनेस कंपेयरिंग पर्सनल ऑफ होम केयर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रिजमेंट सेगमेंट। द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्रीज एंड सेल्स प्राइमरली इन इंडिया। तो ये है कंपनी की वेबसाइट, आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों जिस भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से रिसर्च तो बनता ही है, रिसर्च तो करना चाहिए, वेबसाइट वगैरह भी विजिट करके इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वी आर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 90 सालों से कंपनी, 90 सालों का परजेंस है इंडिया के अंदर, 50+ FMCG ब्रांड्स है इन इंडिया के अंदर, नंबर 1 एम्प्लॉयर और ऑफ चॉइस अक्रॉस इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयर हैं जो नंबर 1 के हैं, और 58,154+ करोड़ टर्नओवर है कंपनी के पास। अगर हम इनके ब्रांड्स की बात करें तो देख सकते हैं क्या क्या इनकी लाइफ बॉय इनका ब्रांड है, ठीक है, हॉर्लिक्स। कितने लोगों ने इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। CC जो क्रीम होता है फेस पे, रेड लेवल टी, पॉन्ड्स जो पाउडर होते हैं वो भी इंडिवर के हैं, और रियल पेप्सोडेंट डफ सरफ एक्सल सर्फ एक्सल और वैसलीन ट्रासमेट रिन साबुन जो होता है शैम्पूल साबुन दोनों, डव शैम्पूल ब्रू, मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट है इनके, डू मैक्स ग्रीन टी बूस्ट, उनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कभी ना कभी इस्तेमाल में लाए ही जाते हैं आपके घरों में, तो इस्तेमाल ही किए गए मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल किए होंगे। ए साइंस स्क्वेड एक्टिव व्हील
एक्स वूस्ट ब्रिजी थ्री रोज रेड लेबल और ताज़ा होले, जो ताज़ा जो चाय की ब्रांड थी, बहुत पुरानी ब्रांड है, ठीक है, ताजमहल, ब्रू चीफ, क्लीन क्लियर और क्लिनिक प्लस शैम्पू और क्लोज ऑफ कंफर्ट, क्लोज ऑफ जिसमें बोलते ताज़ा होले, कॉर्नेटो, ड्रेमलॉजिक, डोमेक्स, डव, इल्ली 18, हैप्पी प्लेस, मेंस फेयर लवली और हमाम। तो और भी बहुत सारे इनके ब्रांड हैं जो कि देखो 3 पेजेज में हैं, अगर हम ओपन करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और भी इनके बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि कंपनी काम काज करती है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली आप इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और विजिट करके आप इनके बिजनेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम कंपनी की फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी देखो क्वार्टरली बेस पे, ईयरली बेस पे काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। और अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा आपको कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ये है, FIDIC के पास भी होल्डिंग है, अच्छा खासा होल्डिंग है, पब्लिक के पास मात्र 12% की होल्डिंग है, तो ठीक है, बहुत कम ही होल्डिंग है पब्लिक के पास। देखो क्या होता है, जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं ना उनमें अगर आप देखेंगे तो पब्लिक पास तो होल्डिंग होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें टेक्निकल, देखो फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से कैसी है ये कंपनी। अगर आप इनके चार्ट पैटर्न को देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म में पूरा बुलिश रहता है, मैक्सिमम टाइम बुलिश रहता है, और अगर आप देखें सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करता हुआ ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। करेक्शन होते बहुत छोटे मोटे करेक्शन, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होता कभी भी इस स्टॉक के साथ। अगर हम देखें जो कोरोना काल था, ये कब कब की करेक्शन है, 2022, 1 अप्रैल 2022 का करेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम करंटली देखें कितने परसेंट तक का डिस्काउंट मिल रहा है स्टॉक, अगर ऑल टाइम हाई से हम देखें तो ऑल टाइम हाई से अपने 13% का डिस्काउंट में है, मतलब 13% के करेक्शन में है और बहुत ही ज़्यादा रिकवरी कर चुका है। इससे पहले करेक्शन अच्छा खासा हुआ था, कितने परसेंट का हुआ था, 2 अगस्त 2021 में करेक्शन होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद 33% का करेक्शन हुआ था, मैं बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन हुआ था इस दौरान। जिन लोगों ने इधर कहीं कैप्चर किया होगा तो आज उनकी बल्ले बल्ले है, मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि आज वो प्रॉफिट में बैठे होंगे अगर पूरा बॉटम में अगर आप कैप्चर किए होंगे ना, ठीक है, इधर कहीं यहाँ पे कहीं कैप्चर किए होंगे तो आज हम आपके पास कितने परसेंट रिटर्न बन रहा होगा, 28% का जो जिस टाइम ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ऊपर की लेवल पे देखें तो आपको 45% रिटर्न आराम से बना करके दे दी है इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है अभी भी 13% के डिस्काउंट पे, बहुत ज़्यादा करेक्शन तो होता नहीं इस स्टॉक के अंदर, मैक्सिमम टाइम इतना अगर करेक्शन है तो ठीक ठाक करेक्शन हुआ है ये बोल के चल सकते हैं। हाँ अगर इस स्टॉक को अगर आप एंट्री इस स्टॉक के अंदर एंट्री करना है तो लॉन्ग टर्म में एंट्री करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि अगर के देखती हैं तो जिस वजह से, तो अगर आप 1 साल 2 साल आपका मायने हो लॉन्ग टर्म तो फिर भूल जाओ फिर, ठीक है, 5 साल का कम से कम आपका टारगेट तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आप बाई और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।